हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। टुडे वी रीड अ लेसन सेवन्थ ऑफ अ थर्ड क्लास, जिसका नाम है टिप टिपवा। तो बच्चों, टिप टिपवा के नाम से आपके भी मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये टिप टिपवा क्या है। तो बच्चों, ये टिप टिपवा, इसमें एक बरसात की बूंदों को कहा गया है। बरसात की बूंदों को टिप टिपवा की उपमा दी गई है। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक दादी पोता रहते हैं। तो पोता क्या होता है, रोज़ रात को अपनी दादी से नई नई कहानियाँ सुनता है, और कहानियाँ सुना दादी उसको नई नई कहानियाँ सुनाती हैं, और वो रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने का और मन करता है कि मैं आज एक और नई कहानी सुनूं। तो एक बार क्या होता है, एक रात को उस गांव में बहुत मूसलाधार, जानते हो, तेज़ हवा के साथ तेज़ बारिश का आना। तो मूसलाधार बारिश हो रही होती है, तो सब बड़े परेशान होते हैं उस बारिश से, क्योंकि कईयों के घर की छत टपक रही होती है। उसी प्रकार से उन दिनों उनकी छत भी टपक रही होती है। तो वहाँ से पानी की टिप 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 ऐसे करके बरसात की बूंदें टपक रही होती हैं। तो वही बात दादी से पोता वैसे ही जिद करता है कि दादी मुझे कहानी सुनाओ, परंतु दादी को कहाँ सूझता है कहानी सुनाना ऐसी मुसीबत में। दादी कहती है, अरे बचवा बचवा, समझते हो बेटा, अरे बचवा कहाँ कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना, मतलब इस टिप टिप टिपवा मतलब बारिश की बूंदों से मेरी जान बचे तब सुनाऊँ ना मैं तुम्हें। तो पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? तो दादी क्या कहती है, उसको ये लगता है ना पोते को, टिप टिपवा नाम से कोई भयानक नाम है। टिप टिपवा क्या शेर है, बाघ से भी बड़ा है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ ऐसे देखते हुए कहती है, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना भगवा का डर, डर तो डर टिप टिपवा का डर। तो इससे पोता बड़ा हैरान होता है। तो क्या होता है, संयोग से मतलब बाय चांस संयोग से मुसीबत से बचने के मारी एक बाघ बारिश से बचता हुआ बुढ़िया के घर के पीछे आके बैठ जाता है। तो क्या होता है, वो बुढ़िया की ये बात सुन रहा होता है, तो वो बड़ा हैरान होता है कि दादी जिसकी बात कर रही है, शेर भी नहीं है बाघ भी नहीं, उससे भी बड़ा कुछ है। तो वो डर जाता है। तो वो कहता है, कहीं वो मेरे पे ही आकर हमला ना कर दे। वो आव नहीं देखता ताव नहीं, और पूंछ हिलाता हुआ दुम दबाकर भाग जाता है वहाँ से। और अब टिपवा कौन सी बला है, यह जरूर कोई बड़ा ही जानवर लगता है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से चला गया। उसी गांव में एक धोबी भी रहता था, और उसी रात उस धोबी का गधा गायब था। तो धोबी बरसात में ही बेचारा पूरी दिन उसको ढूंढता ढूंढता सारे गांव में घुमाया, उसको अपना गधा कहीं नहीं मिला। तो धोबी की पत्नी उसे बोलती है, क्यों नहीं आप गांव के पंडित जी के पास जाते और उनको सारे गांव की आगे पीछे की सबकी खबर होती है, तो वो ज़रूर अपनी पोथी से देखकर आपको बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। तो इसी तरीके से धोबी की पत्नी की बात उसको धोबी को जंच गई, और वह मोटा सा लठ उठाकर वहाँ से पंडित जी के घर पर चला गया। और उसने देखा पंडित जी घर में बारिश से जमा पानी अजीब तरीके से ऐसे उछाल उछाल कर बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से गायब है, क्या ज़रा आप पोथी बाँध कर मुझे बताएंगे, बाँध कर मतलब देख कर बताएंगे कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उछाल रहा हूँ, मतलब उलीच रहा हूँ, निकाल रहा हूँ घर से बाहर। तो वो थक गए थे, धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, क्या जो तू मुझे पूछने आ गया, अरे जाकर ढूंढ उसे, कहीं गड़ई पोखर में कहीं भी होगा। तो इस तरीके से पंडित जी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पानी निकालते निकालते घर से थक जाते हैं, और पंडित जी फिर पानी फिर अपना बाहर निकालने लग जाते हैं। वैसे ही वो निराश होकर धोबी वहाँ से चला जाता है। और वो एक तालाब के पास पहुंचा, तालाब के किनारे एक ऊंची ऊंची घास लगी हुई थी, और तो धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं कहीं घास के अंदर छिपा हुआ था। तो क्या हुआ, धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, मतलब वो उसको वहम हो जाता है कि यह शायद मेरा ही गधा है। तो वो आव देखता नहीं था, और बाघ के
जोर से उसके हाथ में मोटी सी लठ होती है, तो वो लठ मारता है। तो अचानक से क्या होता है, वो इस हमले से बाघ घबरा जाता है। तो बाघ मन ही मन में सोचने लगता है कि यह शायद टिप टिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। तो उसके जब डंडा पड़ता है तो डर जाता है। तो अब अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, चुपचाप करते चले जाओ वो धोबी के साथ हो लेता है। आज उन्हें बहुत परेशान के, धोबी पीछे तो देखता नहीं कि उसके साथ कौन चल रहा है, वो तो ये सोचता है कि वो उसका गधा है। तो वो कहता है कि आज तूने मुझे पूरा दिन बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी बाघ के कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले चल दिया, जिससे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं ना कि धोबी कैसे बाघ को कान पकड़ कर लेके जा रहा है। और बाघ भी क्या था, बिना चू चपड़ किए, मतलब बहस किए बिना ही भीगी बिल्ली बनकर धोबी के साथ चल लेता है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बाघ को बंधा देखते हैं तो उनकी आंखें क्या है, ऐसे खुली की खुली रह जाती हैं कि अरे भाई धोबी के घर के बाहर बाघ। तो बच्चों इसी तरीके से हमारी ये कहानी भी आज कंप्लीट होती है। तो बड़ी मज़ेदार थी ये कहानी और फनी भी थी आई थिंक, तो आप लोगों को भी ये सुनने में अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।